फिर से विधवा गाड़ी के चलने के इंतजार में वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था, जैसे कि उसको किसी की तलाश थी। गाड़ी के डिब्बे के अंदर बैठे लोगों के चेहरे उसने एक एक करके अच्छे से देख लिए थे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट छात्र होने के कारण वो शायद उसकी अनोखी रुचि ही थी। तभी उसने प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाले मुख्य गेट की तरफ देखा। वो अंदर आने वाले लोगों को देखने लगा। उसको दो औरतें अंदर आती हुई दिखी, एक बूढ़ी थी करीब 50-60 वर्ष की और एक बिल्कुल जवान करीब 20 वर्ष की। उस जवान लड़की ने करीब एक बरस के बच्चे को अपनी गोदी में उठा रखा था। कुछ देर तक तो वो सुंदरी को बहुत ध्यान से देखता रहा। वो अपने मन में अजीब से भाव महसूस करने लगा। उसको लगने लगा कि उसके मन में प्यार की कोमलता आ गई थी। वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़की की माँ थी। उन दोनों औरतों के साथ और कोई नहीं था। जब वो दोनों एक डिब्बे में बैठ गई, वो भी उधर ही चल दिया। वो उनकी खिड़की के सामने से 3-4 बार गुजरा और वो उस जवान लड़की की नजरों को अपनी तरफ खींचने में सफल भी हो गया। वो भी उसी डिब्बे में चल गया और उस जवान लड़की की तरफ मुंह करके उसके साथ वाली बूढ़ी के साथ ही बैठ गया। कुछ देर तक वो वैसे ही चुपचाप बैठा रहा, जैसे कि उसके दिल में कोई बात ही नहीं थी। उसने अन्य मुसाफिरों के बीच में खुद को एक बहुत ही भोले भाले इंसान के रूप में दिखाया। उस जवान लड़की ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो उसके गोरे रंग और गोरे शरीर में खूब फब रहे थे, लेकिन वो कुछ कुछ शर्मा सी रही थी। उस नौजवान ने उस लड़की की तरफ एक तरस भरी नजर से देखा और उसकी तरफ हमदर्दी दिखाने लगा। वो समझ गया था कि उस लड़की के साथ वो बूढ़ी बहुत ही सीधी साधी औरत थी। तभी उस डिब्बे में एक अधेड़ उम्र की औरत आई और उस नौजवान लड़की के साथ उसकी बूढ़ी माँ के पास बैठते ही पूछी, बहन जी आप कहाँ तक जा रहे हैं? उस बूढ़ी ने जवाब दिया, हम अटारी तक जा रहे हैं। वो दोनों औरतें बातें करने लगी, लेकिन उस बूढ़ी के साथ उसकी जवान बेटी चुप करके बैठी रही। वो नौजवान उस लड़की को ही देख रहा था। उस लड़के को यकीन था कि वो उस जवान लड़की का दिल जीतने में सफल हो गया था। उस लड़की के सफेद कपड़ों से ही उस नौजवान ने अंदाजा लगा लिया था कि वो जवान लड़की कुछ ही दिन पहले विधवा हुई थी और उसका वैवाहिक जीवन भी शायद सुखी नहीं रहा था। वो यह भी अनुमान करने लगा कि उस जवान लड़की की गोदी में जो बच्चा था वही उसका अब एकमात्र सहारा था। वो यह भी समझ गया था कि वो लड़की बहुत ही शरीफ थी। वो जवान लड़की ना तो किसी की तरफ देख रही थी और ना ही अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, बस गुमसुम सी ही बैठी थी। अचानक गाड़ी चल पड़ी। एक क्षण के लिए उन दो औरतों की बातचीत भी रुक गई। बूढ़ी औरत ने बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया और उसको प्यार करने लगी। नौजवान लड़के ने मौके का लाभ उठाकर पूछ ही लिया, ये आपकी बेटी का बच्चा है माता जी? बूढ़ी ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, हाँ बेटा। वो बूढ़ी उस बच्चे को हंसाने के लिए सीटी बजाने की कोशिश करने लगी। बच्चा मुस्कुरा दिया। इसको देखकर वह खूबसूरत जवान लड़की और उसकी बूढ़ी माँ भी मुस्कुरा दी। वो नौजवान भी उस बच्चे की तरफ देखकर सीटी बजाने लगा और बच्चे की माँ के चेहरे की तरफ देखने लगा। तभी वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। बच्चे की जवान माँ भी मुस्कुराने लगी। उस जवान लड़की ने झट से अपना रुमाल अपने मुंह के ऊपर रख लिया। उस नौजवान ने अपनी बाहें उस बच्चे की तरफ फैला दी। बच्चा उछल कर उसकी तरफ आने की कोशिश करने लगा कि तभी बूढ़ी ने बच्चा उस नौजवान को दे दिया। बच्चे के उस नौजवान की गोदी में चले जाने की इस प्रक्रिया ने बच्चे की खूबसूरत नौजवान माँ के दिल पर गहरा प्रभाव डाल दिया।
उस नौजवान माँ का उदास चेहरा खिल गया और ऐसा लगा जैसे कि बरसात होने के कारण मुरझाए हुए पत्ते फिर से हरे भरे हो गए थे। अपनी माँ अपनी नानी के हाथों से होकर किसी मर्द के हाथों में आकर उस बच्चे ने खास खुशी महसूस की थी। उस जवान लड़की के दिल में नई उमंग सी आ गई थी और उसका चेहरा चमकने लगा था। वो भी उस नौजवान को ही देख रही थी। उस जवान लड़की को किसी की भी परवाह नहीं थी शायद, जैसे कि वो सभी लोग उसके घर के कमरे में बैठे हुए थे। उस जवान ने उस बच्चे का हाथ अपने हाथ में ले लिया जिससे शायद कोई ऐसी तार जुड़ गई थी जिससे प्यार की तरंगें उस जवान माँ तक भी पहुंचने लगी। अब वो जवान लड़की उदास नहीं दिख रही थी। तभी उस नौजवान ने उस बूढ़ी से कहा, माता जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उस जवान ने बच्चे को बूढ़ी नानी को लौटा दिया। वो चाहता था कि अब वो उसके साथ बातें करें। बूढ़ी ने कहा, हम चीचा वतनी से आ रहे हैं, वहाँ हमारा घर है। अभी हम अटारी जा रहे हैं, वहाँ मेरी बेटी का ससुराल है। मेरी बेटी विधवा है, इसके पति को मरे हुए 8 महीने हो गए हैं। उस बूढ़ी ने अपने गोरे हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। नौजवान के दिल को सदमा लगा। वो उस जवान विधवा लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन उस लड़की ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो बाहर पेड़ों खेतों और पीछे छूट रहे नज़ारों को देखने लगी। तभी उस बुढ़िया ने कहा, अब तो बस ये बच्चा ही हमारी जिंदगी का आसरा है। मेरे भी और कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति को मरे हुए भी 10 बरस हो गए हैं। नौजवान ने कहा, हाँ यहाँ आप दोनों अकेली हैं? हाँ बेटा, कोई मर्द नहीं है हमारे साथ, इसलिए हम अकेली हैं। लड़कियों और औरतों के बिना मर्द बिना किसी मर्द के घर से बाहर निकलने का जमाना नहीं है। अब समय बहुत खराब हो गया है। वो बुढ़िया समझ की शिकायत करके चुप हो गई। नौजवान ने कहा, नहीं नहीं आजकल इस तरह का कोई भय नहीं है। आजकल तो लड़कियां हर तरफ अकेली ही चली जाती है। तभी उस बूढ़ी ने पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है? मैं मियाँ चन्नू से आ रहा हूँ माता जी, नौजवान ने उत्तर दिया। तू कहीं नौकरी करता है बेटा? जी नहीं, मैं अभी लाहौर में पढ़ता हूँ। कौन सी जमात में पढ़ता है तू? जी मैं एमए की पढ़ाई कर रहा हूँ। लाहौर में पढ़ते हुए तुझे कितना समय हो गया है? मेरा 6ठा साल चल रहा है। इस दौरान वो चोरी चोरी उस जवान लड़की की तरफ देख रहा था, ये देखने के लिए कि उस पर उसकी और उसकी माँ की बातों का क्या असर हो रहा था। दिखाने को तो वो बच्चे को खिला रहा था, लेकिन वो तो एक बहाना था। वो जानता था कि उस जवान लड़की ने उसकी और माँ की सभी बातें सुनी थी। उसको लड़की के व्यवहार से थोड़ी निराशा हुई। वो सोचने लगा, कितनी बेपरवाह है। वो सोचने लगा कि एक होशियार लड़की जरूर उसकी बातों की तरफ ध्यान देती। तभी बूढ़ी ने कहा, तब तो तू बड़ा अफसर ही बनेगा। वो नौजवान हल्का सा हंसा, लेकिन वो निराश था कि उस जवान लड़की पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। बूढ़ी ने फिर कहा, मेरा दामाद 100 रुपये महीने की तनख्वाह लेता था। मॉन्टगोमरी में बाबू था, तू तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेगा। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी आपको यह कैसे पता चल? मेरा दामाद सिर्फ 4 बरस लाहौस में रहा था, वो सिर्फ BA पास था, लेकिन तू तो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि तुझे उससे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। उस नौजवान ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, इन दिनों माता जी नौकरियों का वो हाल नहीं है जो कुछ वर्षों पहले था। वो उस लड़की को यह दिखाना चाहता था कि वो ज़्यादा अमीर भी नहीं था। इस बार वो जवान लड़की भी उस नौजवान की तरफ देखने लगी, लेकिन जब उनकी आंखें चार हुई, उस लड़की ने झट से शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। वो खुद से ही पूछने लगा कि क्या उस लड़की को कोई रुचि ही नहीं थी। वो जवान लड़के ने उस बच्चे की तरफ फिर से अपनी बाहें फैला ली। वो बच्चे के लिए फिर से सीटी बजाने लगा। वो एक बार फिर से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखने लगा। उस लड़की के चेहरे पर शर्म की लाली साफ दिख रही थी। वो बच्चा उसकी तरफ उछला। जैसे उस जवान लड़की ने वो बच्चा उस नौजवान को देना चाहा, दोनों के हाथों की उंगलियां एक दूसरे के साथ छू गई। वो बच्चे को खिलाने लगा, लेकिन उसकी आंखें उस लड़की पर ही लगी थी।
लड़की की उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी ट्रेन धीमी हुई और फिर एक स्टेशन पर रुक गई। उसके लिए अभी 1 घंटे का सफर बाकी था। वो चाहता था कि किसी तरह उस लड़की के साथ जाकर बैठ जाए। जैसे ही गाड़ी रुकी उसको मौका मिल गया। बच्चे को उसकी माँ को देखकर वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया। जब वो डिब्बे के अंदर वापस आया तो उसने देखा कि बूढ़ी उसकी जगह पर लेटकर आराम कर रही थी। वो जल्दी से वो जवान लड़की के साथ जाकर बैठ गया। पहले तो वो जवान लड़की थोड़ी सी झिझकी, लेकिन फिर उसने कोई परवाह नहीं की और उस जवान लड़के को अपने साथ बैठ जाने दिया। उस समय डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। उस कूपे में अब सिर्फ वो लड़की और वो लड़का, उस लड़की की सोई हुई माँ और बच्चा ही था। तभी वह जवान लड़की अपनी शॉल के नीचे अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। तभी उस जवान लड़के ने हिम्मत करके उस जवान लड़की का हाथ पकड़ लिया। पहले तो वो लड़की बहुत घबरा गई, लेकिन फिर उसका हौसला कुछ बढ़ गया और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। सच तो यह था कि उस समय वो लड़की सब कुछ भूल चुकी थी। जब उसका बच्चा उसकी छाती से दूध पी रहा था और उसके प्रेमी ने उसका हाथ थाम रखा था। नौजवान का स्टेशन नज़दीक आ रहा था, लेकिन दोनों के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे उस सुख का आनंद ले रहे थे। उनके बिछड़ने का समय नज़दीक आ रहा था। गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो गई। वो अपनी जगह से उठा और बहुत ही निराश और तरस भरी नज़र से उस जवान लड़की की तरफ देखने लगा और फिर बाहर चला गया। वो जवान लड़की खुद को एक बार फिर से बेसहारा और अकेली सी महसूस करने लगी। कुछ ही समय पहले वो एक तरह से सुहाग का मीठा आनंद भोग रही थी, लेकिन वो अब एक बार फिर से खुद को विधवा महसूस करने लगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।